अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक हैं? आज का व्लॉग एक अच्छी दुआ से शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और अल्लाह पाक सबको बीमारियों से और इसके जो आजकल बीमारी शुरू हुई है उससे अल्लाह पाक सबको दूर रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। मैंने कहा आज अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी रूटीन शेयर करूं, तो ये मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी बच्चों के, उन्होंने ट्यूशन जाना था, तो ये नहाने से पहले की है, ये नहाने के बाद की है पिक्चर। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे बच्चे। तो इन्होंने बोला कि स्पैगेटीज़ खानी है, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं स्पैगेटीज़, रिकॉर्ड भी करते हैं। और फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं? तो ये देखिए मेरे फ्रेंड्स का बनाने का तरीका देखें कि मैं तो जैसे मैगी बनाते हैं ना वैसे स्पैगेटीज़ बनाती हूँ, क्योंकि वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो वेजिटेबल्स ना खाएँ तो फिर फ़ायदा नहीं है। सालन में सारे खा लेंगे लेकिन मैक्रोनी में नहीं खाते, तो इस वजह से मैं ऐसे बनाती हूँ। तो ये बर्तन कुछ पड़े हुए थे, मैंने कहा धो दूँ, तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरा सिंक खाली हो गया, क्या कहते हैं, सही है ना? मुझे उम्मीद है कि मेरे फ्रेंड्स को मेरे व्लॉग बहुत अच्छे लगते होंगे और बहुत अच्छे लगते होंगे। तो इसके अलावा भी सर मैंने अपने यूट्यूब फैमिली के साथ अपनी लाइफ की कुछ ट्रेजेडीज़ जो हैं वो भी शेयर करनी है, तो अगर आपने सुननी है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि तो ना मैं आपको अपनी लाइफ की ट्रेजेडीज़ जो कोरोना के दौरान हुई हैं और अभी तक जो हम सर्वाइव कर रहे हैं मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है ना? तो क्योंकि कोरोना में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुतासर हुए हैं, उनमें से एक आध हमारी फैमिली भी है, और जो हमारी फैमिली है बहुत ज़्यादा कोरोना की वजह से मुतासर हुई है। तो आप मुझे बताइएगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह अपनी इस लाइफ की ट्रेजेडी के बारे में बहुत अच्छा व्लॉग बनाऊँगी और आप लोगों को बताऊँगी, और आप लोग भी सुनकर मैं कहती हूँ कि आप लोगों को भी दुख होगा कि हमारे साथ कितना बुरा हुआ था, ठीक है ना? तो और सुनाएं कैसे हैं? ठीक है। तो ये देखिए माइक्रो स्पैगेटीज़ में मैंने चीज़ें वगैरह डाल दी हैं माशाल्लाह से सारी, ये अब इनको मिक्स करके तो मैं इनको डिश आउट करूँगी। तो इसी दौरान में मेरे माइंड में एक बात आई कि क्यों ना मैं इनके साथ स्पैगेटीज़ का चैलेंज करूँ बच्चों के साथ। मैंने कहा चलें ये भी करके देखते हैं। ये मैंने डिश आउट की है, डिश आउट करने के बाद मैंने बच्चों को बोला चलो जी 1 2 3 गो, जो मम्मा क्या हुआ है? मैंने कहा आज आप लोगों का चैलेंज है कि जो सबसे पहले स्पैगेटीज ख़त्म करेगा ना तो मैं ना उसको ना इनाम दूंगी। तो मम्मा क्या इनाम देंगे? मैंने कहा वो तो बाद में देखें, पहले तो आप स्पैगेटीज तो ख़त्म करें ना। ये देखे कैसे स्टार्ट हुए हैं अपने, असल में स्पैगेटीज बहुत ज़्यादा गर्म थी ना, तो मैंने इनको बोला भी कि ठंडा कर लो, नहीं मम्मा नहीं मम्मा आप बनाएं। तो इस टाइम इनका ट्यूशन जाने का भी टाइम था ना, तो ये बेचारे इसी में थे कि ये ना हो कि हम ट्यूशन से भी लेट हो जाएं। तो ये देखे कैसे शुरू हुए हैं, तो ये इनके ब्रदर हैं ताया अबू के बेटे हैं, तो वो इनको जो मेरे बेटे हैं इनके साथ ट्यूशन जाते हैं ना, तो इनको लेने कर आते हैं। तो जो जो बच्चियाँ हैं वो इलादा ट्यूशन जाती हैं, तो इस वजह से बस देखें कितना लाइफ कितनी बिजी है, इस तरह बच्चे बेचारे आते हैं स्कूल से आते हैं, चलो इन दिनों में तो छुट्टियाँ इनको, ये यहाँ पर मेरा बच्चा इंटरव्यू दे रहा है कि मैं तो ट्यूशन जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो आपका रिकॉर्ड करते हैं, ये मेरा छोटा बेटा है माशाल्लाह, तो ये देखें ये भी ट्यूशन जा रहा था, ये ज़िद कर रहा था कि मामा आप मेरे साथ चलें। मैंने कहा नहीं बेटा आप जाओ। तो ये इसके भाई दोनों चले गए थे और ये देखे पीछे से भागता हुआ जा रहा है। तो अभी ये रात के खाने का टाइम था, तो मैंने काले चनों के चावल बनाने थे, तो मुझे नहीं पता कि आपको मेरी वॉइस ओवर कैसी लगती होगी, लेकिन मुझे कमेंट्स बॉक्स में आपने लाजमी बताना है कि आपको मेरी वॉइस ओवर कैसी लगती है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मैंने चैनल शुरू किया है अपने बच्चों की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, ताकि मैं उनको सपोर्ट कर सकूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे इस चैनल्स ने यूट्यूब ने खास करके कोरोना में बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया, तो मैं तो कहती हूँ कि उस वक्त तो मैंने नहीं शुरू किया था, तो बहुत सारी परेशानियाँ थी, तो माइंड फ्री नहीं हुआ था, तो इस वजह से अब मैंने देखा है मैंने यूट्यूब में कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी चैनल शुरू किए हैं और उनके कोरोना के दौरान इतने माशाल्लाह से उनके चैनल इतने अच्छे हुए हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चले गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल्स को भी लाइक करेंगे, और मैं आप मेरी आपसे दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और आपके दिल में ये रैम डाले कि मेरे चैनल को आप लोगों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स बॉक्स में इतना तो बता ही सकते हैं ना, जो जो लोग देखते हैं उतना तो बता ही सकते हैं कि क्या क्या हमें कमेंट्स में मेरी गलती है, मेरे व्लॉग में क्या गलती है। तो ये मेरा डेली का व्लॉग था, तो ताकि मैं अपने व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकूँ। तो ये देखिए मेरे राइस तैयार हो रहे हैं,
और सुनाएं कैसे हैं। तो वॉइस ओवर के बारे में आपने लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है ना। तो चावल माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत ही अच्छे बने थे, सब ने मेरी इतनी तारीफ़ की थी और बहुत अच्छे लग रहे थे, तो बहुत मज़े के थे। क्योंकि आपको तो पता ही है कि चावल तो जैसे भी हों बहुत अच्छे ही बनते हैं, चाहे वो सिंपल हों, चाहे दाल के साथ हों, चाहे काले चनों के साथ हों। चावल तो एक ऐसी गज़ा है पाकिस्तान की अवाम की कि वो लाजमी खाते हैं। तो देखें आप भी मुझे बताएं कि मैं कैसे कुकिंग करती हूँ या मेरी वीडियोस कैसी होती हैं, इनमें क्या गलती होती है। क्योंकि आप लोग तो बड़े बड़े यूट्यूबर हो ना, तो मैं एक तो छोटा सा यूट्यूबर हूँ, आप लोगों ने मुझे ये लाजमी बताना है, ठीक है ना। तो ताकि मैं इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सकूँ, अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकूँ। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, इन्होंने कभी भी मेरे से कभी ऐसी डिमांड नहीं की बच्चों ने कि जो मैं कब होता है कि फैमिली में बहुत सारे क्राइसिस आते हैं, तो इन क्राइसिस की वजह से मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी भी मुझे नहीं कुछ कहा कि ना कभी कुछ ज़िद की है मामा ये मैं चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, नहीं ऐसा कभी भी नहीं किया। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो ये चैनल शुरू करने का मकसद ही मेरा इस तरफ ये था कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें ताकि मैं अपने बच्चों की तालीम को अच्छे तरीके से आगे लेके जा सकूं और इसके अलावा मैं उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी कर सकूं। तो यहाँ पर ये दम लगाने का टाइम आ गया था, दम लगाया, इसके बाद फिर चावल निकाले हैं। तो आखिर में बस यही बोलूँगी कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बेल आइकन को ज़रूर बजाइएगा।